आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बैगन मसाला की रेसिपी। और इस बैगन की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर से ट्राई करें, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा ताकि आप इसे अपने घर पे बहुत ही आसानी से बना सकें। तो चलिए देखते हैं कि इसे हम कैसे बनाते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपीज आप सबको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लें ताकि मेरे जितने भी न्यू रेसिपीज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बैगन मसाला बनाने के लिए हम ये छोटे साइज वाली बैगन यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम बैगन लिए हैं और सबसे पहले इसे हम कट करना स्टार्ट करेंगे। तो एक बाउल में हम पानी लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और उसके बाद हम बैगन को कट करना स्टार्ट करेंगे। तो एक बैगन को हम लेंगे और चाकू की मदद से इसकी जो डंठल है उसे हम थोड़ा सा काट के हटा देंगे। यहाँ पे हम उसकी डंठल को पूरा नहीं कट करेंगे, उसके बैगन के साथ ही रहने देंगे। और साइड में जैसे पत्ते होते हैं उसे भी हम थोड़ा थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से काट के हटा लेंगे। इसके बाद बैगन में हम इस तरीके से इसमें कट लगाएंगे और इसे हम पूरा कट नहीं करेंगे, नीचे से इसे जुड़ा ही रहने देंगे। दो कट्स लगाकर इसे हम चार भागों में बांट लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। और एक बार कट करने के बाद चेक कर लेंगे कि ये पूरी तरह से अंदर से ठीक है या नहीं, अगर ख़राब रहेगा तो काट के हम अलग कर लेंगे। फिर इसे हम नमक वाले पानी में डिप करके छोड़ देंगे और बाकी के सारे बैगन को भी हम सेम प्रोसेस से कट करके पानी में डिप करते जाएंगे। इससे बैगन जो है वो काटने के बाद काले नहीं पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे सारे बैगन को कट करके रेडी कर लिए हैं। तो इसे हम अच्छे से धो लेंगे और अलग निकाल कर इसे रख लेंगे। उसके बाद स्टफिंग के लिए हम मसाला घोल कर रेडी करेंगे। तो इसके लिए हम एक बाउल में सारे मसाले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर लिए हैं, साथ ही 1 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon कोरिएंडर पाउडर, 2 teaspoon गार्लिक पेस्ट और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1/2 teaspoon नमक और इसमें हम डालेंगे 1/2 teaspoon जीरा पाउडर और 1 tablespoon लेमन जूस। लेमन जूस से बैगन मसाला में टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। और बस इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ ये जो मसाला हमने रेडी किए हैं ये बैगन को स्टफ़ करने के लिए हम यूज़ करेंगे और साथ ही हम यही वाला मसाला ग्रेवी में भी यूज़ करेंगे। इसमें हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मसाला जो है वो थोड़ा भी पतला हो जाएगा तो बैगन में स्टफिंग नहीं हो पाएगी। तो इसे हम इसी तरीके से गाढ़ा ही घोलेंगे। तो ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो चलिए अब हम बैगन को स्टफ़ करके रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए एक बैगन अपने हाथ में लेंगे और जो हमने मसाला घोल कर रेडी किए थे उसे हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे और फिंगर की हेल्प से हम बैगन के अंदर अच्छे से इसे लगा देंगे। यहाँ पे मसाला हम जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि जब इसे हम फ्राई करेंगे तो मसाले जो है वो बाहर निकलने लगते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा मसाला हम सारे बैगन के अंदर इसी तरीके से अच्छे से लगा लेंगे ताकि बैगन के अंदर तक मसाले जो है वो काफ़ी अच्छे से उसका जो फ्लेवर है वो जा सके। तो बस सेम प्रोसेस से हम सारे बैगन को इसी तरीके से स्टफ़ करके रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सारे बैगन को इसी तरीके से अच्छे से स्टफ़ करके रेडी कर लिए हैं। तो चलिए इसे अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक कढ़ाई गर्म करेंगे और इसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल को भी थोड़ा सा गर्म होने देंगे और उसके बाद एक एक करके हम सारे बैगन को इसमें फ्राई होने के लिए डालेंगे। सारे बैगन डाल देने के बाद यहाँ पे फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे ही इसे हम बीच बीच में इस तरीके से पलटते हुए बैगन को 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर पर ही बैगन को हम इस तरीके से पलटते जाएंगे और ताकि बैगन जो है वो चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो। फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम ही रखेंगे और बस इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए और फ्राई कर लेंगे। 5 से 6 मिनट में बैगन जो है वो काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो बस एक बार इन सभी को हम फिर से एक एक करके पलट लेते हैं और यहाँ पे फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे और इन सभी को हम एक एक करके अलग प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। उसके बाद सेम कढ़ाई में हम एक प्याज को फ्राई होने के लिए डालेंगे। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरीके से रफली चॉप करके यूज़ किए हैं क्योंकि फ्राई करने के बाद इसकी हम पेस्ट बनाएंगे, इसीलिए मैंने इसे फाइनली चॉप नहीं किए हैं। उसके बाद इसमें हम
हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे ताकि प्याज जो है वो जल्दी से जल्दी सॉफ्ट होकर फ्राई हो जाए। यहाँ पे फ्लेम को हम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे ही प्याज को हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट में प्याज जो है वो थोड़े थोड़े से फ्राई हो गए हैं, तो इसमें अब हम टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ के टमाटर को चॉप करके यूज़ किए हैं और यहाँ पे फ्लेम को हम हाई रखेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए और फ्राई कर लेंगे ताकि टमाटर भी जो है वो अच्छे से फ्राई होकर सॉफ्ट हो जाए। 3 से 4 मिनट में टमाटर भी जो है काफ़ी अच्छे से फ्राई होकर सॉफ्ट हो गए हैं, तो बस इसे हमें इतना ही फ्राई करना है। यहाँ पे फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इन सभी को हम एक मिक्सर जार में निकाल कर रख लेंगे और जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसकी हम पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे बस 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर इसकी हम इस तरीके से पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। उसके बाद हमने जो पहले मसाला घोलकर रेडी किए थे उसमें भी थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसकी हम स्मूथ सी एक पेस्ट रेडी कर लेंगे ताकि फ्राई करते वक्त मसाले जो है वो जले नहीं। तो अब ग्रेवी बनाना स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए सेम कढ़ाई को फिर से गर्म करेंगे और इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और 2 तेज़पत्ते भी डालेंगे। जब जीरा थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने जो मसाला घोलकर रेडी किए थे वो डालेंगे, साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि मसाले जो है वो अच्छे से फ्राई भी हो जाए और वो जले भी नहीं। फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए मसालों को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से हम लगातार चलाते हुए फ्राई होने देंगे। 3 से 4 मिनट में मसाले जो हैं वो काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मसालों में से ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगे हैं और इसमें से एक अलग सी खुशबू भी आने लगी है। तो बस इसमें अब हम प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे जो हमने रेडी किए थे। फ्लेम को यहाँ पे हम हाई कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इन सभी को हम अच्छे से और फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट में मसाले जो हैं वो काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो बस इसे हमें इतना ही फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कि इसमें से तेल जो है वो सेपरेट होने लगे हैं, तो अब इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने लगभग 1 गिलास पानी ऐड किए हैं, इसमें हम बहुत ज़्यादा भी पानी ऐड नहीं करेंगे। एक बार अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। फिर से इन सभी को अच्छे से मिला लेने के बाद फ्राई किए हुए बैगन को इसमें हम डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। नमक यहाँ पे थोड़ा सा हिसाब से ही डालें क्योंकि हमने पहले भी डाले हैं। एक बार फिर से इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और इसे ढककर मीडियम फ्लेम पे ही 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे ताकि बैगन और ग्रेवी अच्छे से पक जाए। बीच में एक बार ढक्कन हटाकर हम फिर से चेक कर लेंगे ताकि ग्रेवी जो है वो नीचे से लगे नहीं। तो बस एक बार इन सभी को हम चला लेंगे और उसके बाद फिर से इसे ढककर हम 3 से 4 मिनट के लिए और पका लेंगे। 10 से 12 मिनट में बैगन मसाला जो है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो ग्रेवी है वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो गए हैं और बैगन भी काफ़ी अच्छे से पक चुका है। तो यहाँ पे फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और इसमें हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। फिर एक बार बस थोड़ा सा चला लेंगे और उसके बाद ये बैगन मसाला की जो रेसिपी है वो पूरी तरह से सर्व करने के लिए रेडी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। आप इसे प्लेन रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर राइस के साथ किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये सबके साथ ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर मेरी आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।